हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी लंबे समय बाद इस बार हम लोग मिल रहे हैं। इन दिनों में काफ़ी शांत था, अपने आप को वक्त दे रहा था, अपने आप से मिल रहा था, अपने कुछ अनछुए पहलू को छू रहा था। तो काफ़ी दिनों से कुछ लिखा नहीं था, तो मन में एक बड़ी बेचैनी सी थी यार कि बहुत दिन से कुछ लिखा नहीं है। तो बीते दिनों कुछ लिखा और आज आप सबसे शेयर करने की इच्छा हुई, तो आज आपके सामने हूँ। तो जो लिखा उसका जो टाइटल है, उसका जो शीर्षक है, वो शीर्षक ये है कि हाँ अब हम बड़े हो गए। हाँ अब हम बड़े हो गए। एक्चुअली ये कविता शो करती है कि कैसे हम एक फेज ऑफ लाइफ से दूसरे फेज ऑफ लाइफ में एंटर कर जाते हैं, और इतनी आसानी से एंटर कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। और ये कविता ना बस उन्हीं भावों और उन्हीं इमोशंस को दर्शाती है। तो शुरू करते हैं। हाँ अब हम बड़े हो गए। तो शुरुआत कुछ ऐसे है कि जिंदगी से बड़े आज जिंदगी के अनुभव हो गए। जिंदगी से बड़े आज जिंदगी के अनुभव हो गए, लगता है आज हम बड़े हो गए। जिंदगी से बड़े आज जिंदगी के अनुभव हो गए, लगता है आज हम बड़े हो गए। और जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मतलब कुछ भी। तो उस आज समझ में आता है कि उस समय हम कितने इमेच्योर हुआ करते थे। तो उन भावों को ये पंक्तियाँ कुछ शो करती हैं कि बातें करी जब छोटी हमने, तो हम परिपक्व हो गए, और लगता है कि सचमुच आज हम बड़े हो गए। जिंदगी से बड़े आज जिंदगी के अनुभव हो गए, और लगता है कि आज हम बड़े हो गए। बातें करी जब छोटी हमने, तो हम परिपक्व हो गए, और लगता है कि सचमुच आज हम बड़े हो गए। समझने चले हम दुनिया दीन आदमी को, समझने चले जब हम दुनिया दीन आदमी को, तो अधूरे रह गए। और समझा जब खुद को हमने, तो हम पूरे हो गए, और लगता है कि आज हम बड़े हो गए। समझने चले हम दुनिया दीन आदमी को, तो हम अधूरे रह गए। और समझा जब खुद को हमने, तो हम बड़े हो गए। और अगली कुछ पंक्तियां ये शो करती हैं कि कई बार हम जिंदगी में इतनी रफ्तार से भागते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, कई सारी चीज़ें नई ऐड हो जाती हैं। तो उनको ये शो करती है कि जिम्मेदारियों से भागते भागते कब जिम्मेदारियाँ उठाने लग गए, और तब एहसास हुआ कि हम बड़े हो गए। एक्चुअली होता क्या है, हम तब बड़े होते हैं जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, और जब हम लोगों का, अपना, दुनिया का दुख दर्द समझने लगते हैं, उनका सुख दुख समझते हैं। तो बातें करी जब छोटी हमने, तो हम परिपक्व हो गए, और लगता है कि सचमुच आज हम बड़े हो गए। समझने चले हम दुनिया दीन आदमी को, तो अधूरे रह गए। और समझा जब खुद को हमने, तो हम बड़े हो गए। और जिम्मेदारियों से भागते भागते आज जिम्मेदारियां उठाने लग गए, तब एहसास हुआ कि हम बड़े हो गए। दोस्तों से लड़ते झगड़ते आज उन्हें याद कर हंसने लग गए। और बचपन में गिरकर रोते कब गिरकर हंसने लग गए। जमाने से आंखें चुराते चुराते अब हम आंख मिलाने लग गए, लगता है कि आज हम सचमुच बड़े हो गए। तो देख रहे हैं आप कैसे ट्रांसफॉर्म होती है लाइफ, कैसे हम बदल जाते हैं, या फिर कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और अगली कुछ पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि सबके साथ रहते रहते, बहुत डीप है ये, आप सब कनेक्ट कर पाएंगे इससे, सबकी लाइफ में ये फेज है कि सबके साथ रहते रहते हम सबसे अलग होते रह गए। और सबसे अपना गम बताते बताते सबको खुशियां देते रह गए, और बाप की डांट पर रोने वाले। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमको कोई डांट देता था,
हम रो देते थे, उससे गुस्सा हो जाते थे, खाना खाना छोड़ देते थे, ये सब कुछ बचकानी हरकतें करते थे। तो उसको ये पंक्तियाँ कुछ शो करती हैं कि बाप की डांट पर रोने वाले आज उसके पीछे का भाव समझने लग गए, लगता है कि सचमुच आज हम बड़े हो गए। सबके साथ रहते रहते आज हम सबसे अलग होते रह गए, और सबको अपना गम बताते बताते हम सबको खुशियां देते रह गए, और बाप की डांट पर रोने वाले आज उसके पीछे का भाव समझने लग गए, लगता है कि सचमुच आज हम बड़े हो गए। आखिरी कुछ पंक्तियां इस तरीके से कि होली दिवाली पर रंग खेलने वाले, होली दिवाली पर रंग खेलने वाले और फटाके फोड़ने वाले अब उन्हें देखकर हंसने लग गए। एक्चुअली ये चीज़ होती है कि अब जब कभी भी होली या दिवाली आती है ना, तो उससे उसको मतलब पटाखे फोड़ने से ज़्यादा, रंग खेलने से ज़्यादा, जो लोग मतलब उनको देखने भर से मज़ा आता है, उनको देखने भर से खुशी मिल जाती है। तो होली दिवाली पर रंग खेलने वाले और फटाके फोड़ने वाले अब उन्हें देख कर हंसने लग गए, लगता है वो बच्चे आज बड़े हो गए। और बचपन में जिस स्कूल को देखकर, बचपन में जिस स्कूल को देखकर जाने से डरते थे बचते थे, बचपन में जिस स्कूल को देखकर जाने से डरते थे बचते थे, आज वही स्कूल देखकर हंसने लग गए, लगता है आज वो यार दोस्त सब बड़े हो गए, लगता है आज वो यार दोस्त सब बड़े हो गए। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।